देवथर तहसील के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सीमा में पकड़ाई गई अवैध धान की खेप। चाकघाट पुलिस एवं खाद्य विभाग की टीम पूरे मामले की कर रही है जांच। पूरा मामला देवथर तहसील के चाकघाट थाना क्षेत्र का है, जहां यूपी से अवैध रूप से धान का परिवहन मध्य प्रदेश में किया जा रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर द्वारा जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने से मध्य प्रदेश सीमा में अवैध धानों का परिवहन लगातार जारी है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं मार्गदर्शन पर चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर द्वारा धान की खेप को ट्रैक्टर सहित जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु खाद्य विभाग को सौंपा है।